निष्कर्ष, आप छोटे से जिले से ताल्लुक रखते हैं और आपने DID से अपनी शुरुआत करी थी, कैसा लग रहा है अब आप इतने बड़े मंच पे पहुंच गए हैं? काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं सासनी से निकल के मुंबई पहुंच गया और विघ्नहर्ता गणेश में गणेश बन गया, क्योंकि गणेश भगवान है और उनका रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, तो उसमें अपने आप में एक अनुभव है जो करके मुझे बहुत मजा आता है। कैसा लगता है वहाँ पे लोगों के साथ और जो एक्टर हैं आपके साथ में? उनके संग बहुत मजा आता है और नया नया एक्सपीरियंस मिलता है, और क्योंकि काफी कुछ सीखने को भी मिलता है तो जो काफी मजेदार होता है, और उन लोगों के साथ काम करके काफी मजा भी आता है। कैसे पहुंचे वहां तक? एक्चुअली सबसे पहले मैंने DID किया था जब मैं 7 साल का था, उसके बाद मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट किया जिसमें मैंने एज अ गर्ल परफॉर्म किया, उसमें मैं सेमीफाइनलिस्ट रहा, तो उसके बाद मुझे मुंबई से कॉल आने लगे, फिर मुझे एक्टिंग का चस्का चढ़ गया, तो मैंने मम्मा से रिक्वेस्ट करी कि मुझे मुंबई लेकर जाओ, तो वो एक दिन मुझे मुंबई लेकर गए और मैंने वहाँ पर काफ़ी सारे ऑडिशन दिए, तब मुझे मेरा एक पहला सीरियल मिला था जिसका नाम था संकट मोचन महाबली हनुमान। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए, फिर मैंने सावधान इंडिया, फिर मूवी जगह जासूस करी जिसमें रणबीर कपूर और कटरीना कैफ थे, और काफ़ी सारा काम किया, कौन बनेगा करोड़पति का ऐड किया, सनफीस एक ब्रांड है उसके लिए काम किया, और निकलोडियन एक चैनल है उसके लिए बहुत सारा काम किया। आगे से धार्मिक सीरियल ही करना चाहेंगे या कुछ और? माइथोलॉजिकल सीरियल करने में ना एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि उसमें एक कॉस्ट्यूम होता है, एक अटायर होता है जो काफ़ी ब्यूटीफुल होता है, तो उसको पहनने में बड़ा मज़ा आता है, तो मैं चाहता हूँ कि माइथो ही करूँ, बट मेरा आगे करके ऐसा भी है कि मैं मूवीज़ भी करूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारी मूवीज़ ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं भगवान से ये प्रे करूँगा कि मैं आगे और मूवीज़ भी करूँ और माइथोलॉजिकल सीरियल्स भी करूँ। जो यहाँ के बच्चे हैं, युवा हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं, आप उन्हें कैसे प्रेरित करना चाहेंगे? एक्चुअली मैं एक सबको इंस्पायर करना चाहता हूँ, तो मैं सब उनसे ही कहूँगा कि अगर आप भी करना चाहते हैं डांस, सिंगिंग, व्हाटएवर, कि आपको एक्टिंग का शौक है या किसी चीज़ का भी शौक है, तो आप अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कीजिए, उनको आप अपना टैलेंट दिखाइए, अगर आप में भी है टैलेंट तो आने वाले फ्यूचर में आप भी बन सकते हैं स्टार। थैंक यू।